तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी कमर को और अपने बेस को बेस्ट तरीके से मूव कैसे करें, उनको कंट्रोल कैसे करें विद डांस बेसिक्स। तो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले पीछे से आप सीखेंगे। मेरे साथ बिगनर है मेरी वाइफ। अगर आप नए एपिसोड शुरू से देखा तो आप समझ पाएंगे, अगर आप नए तो बता दो मेरी वाइफ इसके साथ मेरा साथ देंगे इस वीडियो में और वो बिगनर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बेस और कमर एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। हमने करना क्या है, अपने हाफ बेस को साइड से दिखाना। देखना कैसे, हाफ बेस को साइड से दिखाना। वेट कौन से पैर पे रहेगा, जिस साइड हम आएंगे, ठीक है। अब फिर से देखिए, इधर आके टू। अब देखना दोनों पैर चलेंगे। एक बार मैं बेस समझा दूं कैसे, हाफ बेस दिखाना साइड से, ठीक है। बेस मींस अपने हाफ अपने हिप को दिखाना, फिर इसमें हाफ को दिखाना, क्लियर। अब देखना करेंगे कैसे, वन पे ये पैर चलाएंगे, देखना वन, टू पे हाफ बेस, टू, ठीक है। फिर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अपने बेस को डीपली चलाने के लिए एक्सरसाइज है ये। रेडी स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। और ये ना केवल एक्सरसाइज है बल्कि डांस के बेसिक स्टेप्स भी हैं जिससे आपकी कमर और हिप्स पहले से बेहतर तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, वन पे ये पैर ऊपर आएगा, है ना, इसके टो को ऊपर रखेंगे, टू, और इधर से हाफ बेस दिखाएंगे, ये मैंने पहले बताया था हाफ बेस, ठीक है। फिर ये हाफ बेस, फिर ये हाफ बेस, फिर ये हाफ बेस। अब दिखाइए कितना समझ में आया। चलिए वन पैर उठा के रखेंगे, टू, हाँ, थ्री, फोर, एकदम से टर्न नहीं करना, हमने बीच में गैप देना है। एक बार पीछे ये देखो मैं दिखाता हूं, हमने गैप देना, कैसे गैप देना, देखना वन टू, इक्वल टाइम लेंगे वन और टू में, ऐसा नहीं कि वन कर दिया खत्म, नहीं, इक्वल टाइम वन टू थ्री फोर, ये जो बीच में गैप आ रहा है उतना ही टाइम लेना, ठीक है। चलिए रेडी स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव, रुको मत, मेरी वेट मत करो, चलते रहो, सिक्स सेवन एट, नहीं ये तो फिर अलग अलग होगा ना। देखिए ओड नंबर पे हमने चलानी है ये वाला, देखना वन, ठीक है, टू पे ये चलाएंगे, आप कर क्या रहे हो, वन टू, ऐसे नहीं करना है ना, वन टू पे चलाएंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, आया। चलिए फिर से रेडी स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ध्यान क्या रखना है कि आपने अपने बेस को दिखाना साइड से, हाफ बेस को, है ना। मैं इसीलिए अपने साथ बिगनर को ले रहा हूं ताकि आप अब बिल्कुल शुरू से सीख पाए, अच्छे से समझ पाए, उनकी गलतियों के साथ अपने आप को इंप्रूव कर पाए। देखना कैसे करना, हाफ बेस को दिखाने की कोशिश करना, मैंने पहले बताया था कमर और बेस का स्टेप है, कैसे वन टू, ठीक है, फिर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। ये बेस दिखाने की कोशिश करनी, साइड से बेस निकालना, इससे क्या होगा हमारी बॉडी में फिनिशिंग आएगी। ये आप देख रहे हो, ये जो कट देख रहे हो बॉडी का, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं त्रिभंग। ये त्रिभंग बनना जरूरी है, इससे त्रिभंग में निखार आता, देखना त्रिभंग में निखार आएगा, है ना। एक बार और करते हैं, चलिए रेडी स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, पैर उठा के रखना था ना, जल्दबाजी नहीं करना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर अलग हो गया ना, बिल्कुल उसके साथ, वन टू थ्री फोर, रुकना है बीच में, ये दिखाना है, देखो मेरी बात सुनो, टू फोर सिक्स एट, ठीक है। तो देखो वन टू पे इस तरफ अपने हिप को मारना है, टू, ठीक है, फोर पे उस तरफ मारेंगे, थ्री
फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्लियर? चलिए रेडी स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्लियर? तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक और नया स्टेप बताऊंगा अपने बेस के लिए और आपकी कमर के लिए। जब तक के लिए नमस्कार।